ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ.
किसके आदमी थे? ये सब मेरे ही बच्चे थे। वाह, आज ही हवलदार से इंस्पेक्टर बने और इतना बड़ा केस सर। आज हमने उसको पकड़ा है जिसके वजह से ये सारे दंगे हो रहे हैं। वाह पुरुषोत्तम वाह, तुम मेरे साथ चलो। तुम कौन और मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं और तुम एक ही है, बस हमारे रंग अलग है। लेकिन हम पर यह रंग चढ़ाया किसने? हम ऐसे तो नहीं थे। तुम ऐसे नहीं थे, पर क्या पता उनके बंदों को यही सीख दी गई हो। तुम पर तो रंग अमन और शांति के लिए चढ़ा गया, पर शायद उनके बंदों ने उसी रंग के आड़ में आके दंगे किए और धूम पाया। पर सारी गलती मेरी नहीं है, दंगे चालू किए तुम्हारे बंदों ने तुम्हारे नाम पे और घर जले मेरे बच्चों के। लेकिन उस आग में केवल तुम्हारे बच्चे नहीं जले, जले मेरे बच्चे भी, और इनका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं तुम भी हो। अरे इन दंगों में कौन जीतता है और कौन हारता है? बात जीत और हार की नहीं है, बात है घमंड की। अरे ये नादान ये नहीं जानते कि मजहब ने किस तरह बांध दिया है। लेकिन घर का मकसद तो मुक्ति है, बांधती तो बेड़ियां है। सही कह रहे हो तुम, हमने जिन्हें बनाया है उन्होंने ही हम पर ये रंग चढ़ाया है। रक्त रिसाया हमने है तो खून तुमने भी तो बहाया है। बेटियां हमारी विधवा हुई तो इतिहास तुमने भी तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो क्या नाम बताया उन्होंने अपना? ईश्वर। अरे शुक्ला जी, तेरा गीता पास किया तो? ठहरो, गीता की रचना तो मैंने स्वयं की थी द्वापर युग में। मैं झूठ नहीं बोलता, असत्य तो तुम्हारी रंगों में दौड़ता है। वरना घर में माता माता करके आते हो और घर में अगर बेटी हो जाए तो उनकी हत्या कर देते हो। अरे ईश्वर जी, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें ऐसे कोर्ट में नहीं कहते। अरे आप बस इतना बताइए कि दंगे में इतने लोग पकड़ाते हैं सर, आप ही के आदमी होते हैं क्या? हाँ, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। और वो क्या, तुम और तुम सब मेरी ही तो संतान हो। बातें तो आप काफी बड़े बड़े कहते हो। अच्छा चलिए, भगवान के नाम पे कोई चमत्कार दिखा दीजिए, कोई मैजिक। अरे कुछ नहीं तो हमारा बना ही वापस ले आएंगे। बच्चे तो माता पिता से अनेकों चीज की मांग करते हैं, परंतु वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। तात्पर्य उन्हें दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें सीख देना है। करने को तो एक श्रम में मैं समय का पहिया रोक दूं, तुम्हारे दुखों का अंत कर दूं और तुम्हें न्याय दिलवा दूं, परंतु ऐसा करने से तुम एक नहीं हो पाओगे। एक नहीं हो पाओगे और वो भी ये लोग? चंद साहब, ये कैसी भैगी भैगी बातें कर रहा है। अरे कल होके तो ये भी कहेंगे कि सारे धर्म के लोग असल में एक ही भगवान की पूजा करते हैं। देखिए ईश्वर जी, आप पहले बहुत धार्मिक भावना कर चुके, मेरी मानिए तो आप इस धर्म के मामलों से दूर रहे तो बेहतर। नादान हो तो धर्म निरपेक्ष का मतलब नहीं समझते। अरे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग तुम्हारे संविधान को ठेंगा दिखा के विदेश भाग गए और तुम्हारा न्याय तंत्र
जो भी करना होगा हम करेंगे। मानवता